नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ फिर आप लोग सामने हूँ। और मैटर भी है वहीं बांग्लादेश, क्योंकि ये जो बांग्लादेश में अभी कूप हुआ, यह एक दिमाग को या आसपास के पूरे एरिया को झकझोर करके रख दिया है। आपको लगता नहीं? जरा सा विचार करिए स्थितियों पर। आज कई समाचार माध्यमों से, अलग अलग न्यूज़ चैनलों से जो समाचार निकल करके आया, उसके बेसिस पर मुझे एक जो है पूरी घटना चक्र जो निकल करके आता है वो कुछ यूं होता है। मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई आप लोगों को वो भी लगे, एबनॉर्मेलिटी भी लगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने जो अपना निष्कर्ष निकाला उसको मैं रख रहा हूँ। अगर आप पूरे ओवरऑल घटनाचक्र को देखें, 4 और 5 तारीख को, आज तो 6 अगस्त है, 4th और 5th अगस्त की बात करिए, तो ऐसा लगता नहीं कि बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर को ये आभास हो गया था। बार बार सेनाध्यक्ष उनको हिंट कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। अब इसमें कुछ घटना चक्र को आप लोग देखिए। सुबह 11 बजे 5 तारीख को 10:30 से 11 के बीच में टेलीफोन कॉल आता है सेनाध्यक्ष का, और वो ये बताते हैं कि 4 से 5 लाख लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके आवास की तरफ, इनको रोका नहीं जा सकता, निशाना भी आप ही है, लिहाजा आप जितनी जल्दी हो सके घर खाली करके चले जाइए। अब देखिए सेनाध्यक्ष कह रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में कुछ पैकिंग किया और सामान को लेकर के किसी अज्ञात रास्ते से किसी अज्ञात एयर स्ट्रिप पर पहुंची, पहले वहां से हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा के लिए लैंड करती। आप समझिए एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है और इंडियन एरिया में वो प्रवेश करेगा बिना इजाज़त के, असंभव काम। सिविलियन होता तो एक बार समझ में आता। इसके माने मिलिट्री से परमिशन ली गई होगी, इंडियन एयरफोर्स से, और लिया गया। जैसे एंट्री किया, जैसे भारत की सीमा में विमान दाखिल होता है, 2 राफेल विमानों से सुरक्षित करके उसको त्रिपुरा में लैंड कराया जाता है। फिर वहाँ से एक एयरफोर्स का विमान लेकर के हिंडन एयरबेस पहुँचता है। समझिए जरा, हिंडन एयरपोर्ट एयरबेस पहुँचता है यहाँ गाज़ियाबाद के पास, और फिर जो है वहाँ पर अजीत डोवल साहब इनसे मिलते हैं। अच्छा यही नहीं, अगर आप भारत में हुए चेंजेस के विषय में जरा सा देखो घटना चक्र को, तो आपको और भी आश्चर्य होगा कि भारत में किस तरह से इसमें रिएक्शन होता है। पहली बात तो इस घटना से कुछ समय पहले नहीं मतलब 2 ही 3 घंटे पहले भारत के जो हाई कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा, वो मिलते हैं इनसे। कुछ देर पहले की बात होती है, 2-3 घंटे पहले की बात है, और अचानक मुलाकात होती है। फिर जैसे ही वहाँ से, अभी मैंने जैसा कि बताया कि जो आर्मी हेलीकॉप्टर से आई हैं वहाँ से, और आर्मी हेलीकॉप्टर जो है वो अगर इंटर करता है तो उसको एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एयरफोर्स से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इतने जल्दी एयरफोर्स ने परमिशन भी दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर ये समझने का विषय है कि हेलीकॉप्टर आता है,
वहाँ पर उतरता है और 2 घंटे में ही CCS की मीटिंग भी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। इस बीच में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक्टिवेट हो जाती हैं। सुबह 11 बजे घटना है, 12 बजे तक सब एक्टिवेट होती हैं। जब तक आप सोच रहे होते हैं तब तक जो है DG बीसफ वेस्ट बंगाल में मौजूद होते हैं, डायरेक्टर जनरल बीसफ। ये घटना इतनी तेजी से, जितनी तेजी से बांग्लादेश में घटना घटित हो रही है उतनी ही तेजी से इंडिया में भी घटना घटित हो रही है। और इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब यही निकल रहा है कि भारत को इस सुगबुगाहट की कुछ तो भनक रही होगी। अगर ऐसा है तो क्या वहाँ के पूर्व PM को नहीं मालूम था ये चीज? मालूम था, लेकिन उन्होंने घटना को इतना गहराई से नहीं लिया, इस अर्थ में नहीं लिया कि ये भी हो सकता है कि इतनी लंबी मॉब जो है यहाँ पर आ जाए। उनको शायद या पिछले 3 से 4 सालों में जो जमात की गतिविधियां चल रही थी वहां पर उसके विषय में अंदाजा नहीं था, या अंदाजा था भी तो उसको अपने प्रति वो हल्के में ले रही थी जमात इस्लामी। क्या यह सारी घटना सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है जो कि आरक्षण पर थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले ही रद्द कर दिया था? शेख हसीना ने भी मान लिया था कि हाँ, मैं इसको जो है नहीं मान, मैं स्वीकार करती हूँ। अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे हुआ? और स्टूडेंटों ने बाद में, अर्थात ये 3-4 तारीख की बात है करीब, दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किया और उसमें मांग क्या रखी थी? एक से एक विचित्र मांग रखी गई थी। समाचार माध्यमों से आपने सुना होगा, जो स्टूडेंट लीडरशिप थी वो मांग की थी कि पूरे बांग्लादेश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के वाइस चांसलर्स को हटाओ। जो स्टूडेंट लीडर्स जो गिरफ्तार किए गए उनको बिना शर्त रिहा करो। इस तरह से कई मांगे थी जिनको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल काम था। और ये जो स्टूडेंट्स थे ये जमात के द्वारा समर्थित थे, जमात इस्लामी द्वारा। लिया जाए, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जरा सी बात पर कि उसको कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो गया, और वो इस हद तक पहुंच गया कि तख्ता पलट हो गया। अगर सेना के हम नियत पर शक करें तो यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है कि अगर सेना चाहती तो क्या इनको मरवा नहीं सकती थी बड़े आराम से? जो उसने सेफ पैसेज दिया वो न दे करके वो भीड़ से ही मरवा देती। भीड़ तो इनको मारने पर उतारू हुई थी, उतावली हो रही थी। अब इस पूरे घटना चक्र में लॉस किसका सबसे ज्यादा हुआ? तो बांग्लादेश का जो PM वगैरह का लॉस हुआ वो तो हुआ ही, सबसे ज्यादा इसमें मुश्किल में है इसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अर्थात वहां की हिंदू आबादी, जिसके मंदिरों को जलाया जा रहा है, जिसके घरों को जलाया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, जो भी दुकान वगैरह है उनकी, मॉल वगैरह हैं, तमाम वीडियोज इस तरह के आ रहे हैं। अब ये तो आने वाला दिन ही बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसी स्थिरता आएगी, क्या नहीं होगा। अगर चाइना इस पर लगा हुआ है, अमेरिका लगा हुआ है, तो उनकी क्या उद्देश्य हो सकते हैं? खैर, चाइना का तो एक ही उद्देश्य है, प्रिवेंट इंडिया। अमेरिका का भी यही उद्देश्य है कि इंडिया बढ़ने ना पाए। अच्छा, आज एक खबर और
कि इनको कोई भी देश अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं है, न तो अमेरिका, न इंग्लैंड, कई और छोटे मोटे देशों सहायता कनाडा वगैरह से मांगा था, उन्होंने भी ना कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अभी तो ये फिलहाल इंडिया में ही है और एक सेफ हाउस में है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने का विषय है। अब ये सारी चीज़ें हैं जिनके कुछ क्लूज बाद में आएंगे, तो फिर समझ में आएगा कि घटनाचक्र है क्या असल में। प्रथम दृष्टया पाकिस्तान के आईएसआई का भी हाथ इसमें लग रहा है, वो तो है ही है, खैर लग रहा है नहीं, है नहीं तो शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ने का क्या मतलब है। अच्छा, सबसे ज़्यादा शर्म की बात क्या है कि जैसे ही भीड़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाती है तो कोई ब्लाउज लिए जा रहा है उनका, तो कोई साड़ी लिए जा रहा है, कोई एक कुर्सी टांगे जा रहा है, कोई एक कुर्सी की टूटी टांग को ही टांगे जा रहा है। देखिए उसमें तमाम रीलें आ रही हैं। किसी भी देश की जनता के लिए इससे बड़ा हास्यास्पद चीज और क्या हो सकता है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा हास्यास्पद क्या है कि हमारे देश के कुछ यूट्यूबर इनको महिमा मंडित कर रहे थे। बांग्लादेश को महिमा मंडित कर रहे थे। अब इसमें कितना वो होगा, बड़ा षड्यंत्र होगा, यह भी देखने का विषय है। फिलहाल ये वीडियो हमारी लंबी खींच रही है और मैं ज़्यादा अब इसको नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ कि इस घटना के कितने किरदार हैं और कैसे सेफ बची हैं। ये तो खैर घटनाएं वास्तव में बाद में ही पता लगेंगी, लेकिन भारत का एक अहम रोल है शेख हसीना को बचाने में, नहीं शायद आज इस स्थिति में न होती, उनके टुकड़े बीन रहे होते लोग। अब ये अलग विषय है कि यह देश, मतलब इनका अपना देश भारत का कितना वो रहेगा, ऋणी रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।